भाला फेंक पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने रियो पैरालंपिक की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। देवेंद्र ने जेवलिन थ्रो F46 इवेंट में गोल्ड मेडल तो जीता ही, साथ ही 63.97 मीटर दूर जेवलिन फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र झाझरिया को स्वर्णिम सफलता पर बधाई दी है। दिव्यांगों का दिव्य प्रदर्शन रियो पैरालंपिक में भारतीय सफलता की नई कहानी लिख रहा है। दीपा मलिक, मरियप्पन थंगावेलु और वरुण सिंह भाटी के बाद अब रियो से एक बार फिर खुशखबरी सफलता की सुनहरी चादर ओढ़कर आई है। कामयाबी की इस तस्वीर की रचना की है भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने, वो ना जिसने एक बार फिर अपनी काबिलियत को विश्व मंच पर सुनहरा रंग दिया। देवेंद्र ने जेवलिन थ्रो F46 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत इतिहास तो रच ही दिया, लेकिन इस खुशी को दुगना किया उनके उस बेहतरीन प्रदर्शन ने जिसने नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। देवेंद्र ने 63.97 मीटर दूर जेवलिन फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले देवेंद्र ने एथेंस में 2004 में हुए पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक को अपने नाम किया था। तब उन्होंने 62.15 मीटर जेवलिन फेंका था, जो कि इससे पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 35 वर्षीय देवेंद्र राजस्थान के चुरू के रहने वाले हैं और उनकी कामयाबी का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता रहा है। 2002 में साउथ कोरिया में हुए फेस्पिक गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो 2013 में IPC एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि 2014 के एशियन गेम्स में उनकी चांदी हो गई। हर कदम पर आगे बढ़ने की चाहत ने उनकी परेशानियों को बौना साबित कर दिया। छोटी सी उम्र में एक हादसे के चलते दिव्यांग हुए देवेंद्र झाझरिया ने सचमुच जिंदगी को अपनी सफलता से न केवल नया नजरिया दिया, बल्कि उन तमाम दिव्यांगों के लिए भी एक मिसाल के तौर पर सामने हैं, जो बस इसी बात को पेश करता है कि जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए कोई शर्त नहीं बल्कि ठोस इरादा चाहिए। स्पोर्ट्स डेस्क, TD न्यूज। भाला फेंक पैरालंपिक एथलीट देवेंद्र झाझरिया की इस कामयाबी पर उनके घर में भी उत्सव सा माहौल नजर आया। परिवार वालों ने एक साथ एकत्र होकर देवेंद्र झाझरिया की इस जीत का जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर उनकी पत्नी मंजू ने कहा कि देवेंद्र ने उनसे एथेंस पैरालंपिक से भी बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही थी। गोल्ड जीतने की बात तो थोड़ी बात हुई नॉर्मली कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोला हमको, तो इन्होंने बोला आप सबकी मेहनत है और देश के लिए मैंने किया, ये बहुत बढ़िया बात है। और जब कल गेम ग्राउंड जा रहे थे रात को, तब मैंने बात की थी, तब बोले मैं पूरी मेहनत के साथ जा रहा हूँ और गोल्ड लेकर ही आऊंगा और मेरा जो 2004 एथेंस में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके ही मैं मेडल लेके आऊंगा। और इन्होंने वैसे ही किया कि 2004 में अपना बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके ही नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया।